बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो गर्मी की वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जब पसीना आता है तो नमकियात की भी कमी हो जाती है। बाजारी कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप घर में एनर्जी ड्रिंक बनाएं, खुद भी पिएं और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। इस ड्रिंक में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इस ड्रिंक के इस्तेमाल से आपको भूख भी ज्यादा लगेगी। अगर आपके मैदे का मसला है तो वो भी हल हो जाएगा। जिगर की गर्मी के लिए, मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। गर्मी का दुश्मन है ये ड्रिंक। इसके अलावा ये कान के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज है। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इस रेमेडी को यूज कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है वो इसमें नमक का इस्तेमाल ना करें, वो बगैर नमक के इस एनर्जी ड्रिंक को पिएं। इमली आलू बुखारे की ड्रिंक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। चलते हैं रेमेडी की तरफ। रेमेडी बनाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक प्याली खुश्क आलू बुखारा, हमें चाहिए 3 से 4 अदद। तकरीबन उतनी मिकदार में ही इसमें हम इमली डालेंगे। इसके बाद इसमें पानी डालकर सारी रात के लिए रख देंगे। सारी रात पानी में भिगोने के बाद पानी का कलर देखिए ऐसे हो गया है, पानी का कलर चेंज हो गया है। अब हम सारी गुठलियां इसमें से निकाल लेंगे इमली और आलू बुखारे की। ये बहुत ही जबरदस्त एनर्जी ड्रिंक बनेगी। अब इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच चीनी का, थोड़ा सा इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक भी आपके मैदे के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, ये गर्मी का तोड़ है। इसके अलावा मैदे और जिगर में जो गर्मी है उसका भी ये दुश्मन है। बहुत ही जबरदस्त ये शरबत बनेगा। अब सारी चीजों को मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। ग्लास में हम थोड़ी सी आइस डालेंगे और हमारी एनर्जी ड्रिंक बनकर तैयार है। इसे ठंडा ठंडा पिए और अपने मेहमानों को भी पिलाएं। बाजारी कोल्ड ड्रिंक्स आपको फायदा नहीं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि घर पर बनाए चीजें फ्रेश भी बनेंगी और साफ सुथरी भी बनेगी। तो ये थी मेरी आज की जबरदस्त रेमेडी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।